जी सर, सुहेब भाई, डेट पता है, लग गई है आपको मोहम्मद साहब की पैदाइश की? जी सर। पता लग गई सर? सर आप मुझे पहले एक बात बताएं, कौन आपने सी? आपका जो आप एक बात बताएं, जो बंदा था पहले आपको गाली दे गया, ठीक है ना? तो जी सर, आप रसूल, जो बंदा था आपको गाली दे के गया ना कुछ देर पहले, आपने निकाल दिया सर, जी सर, तो आप उस बंदे की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गाली क्यों दे रहे आप? क्योंकि वो मुसलमान है। सर सही है सर, लेकिन उस हाँ, तो बंदे की मैं वजह उसको से सुन ले, मैं आपको जवाब दे जी देता हूँ, फिर आप अपनी मुद्दा रख लीजिएगा। मैंने उस बंदे को पहले बोला था ना कि जो कुछ तुम मुझे कहोगे मैं नबी पाक पे कहूंगा, और नबी पाक की बेहुर्मती और ब्लास्फेमी के जिम्मेदार तुम होगे। ये सेंटेंस मैंने बोला था, आपने ये सेंटेंस सुना था सर, वो सही है सर, लेकिन सर? आप मैंने, नहीं, एक कहते सेकंड, हैं ये सेंटेंस सुना था कि नहीं सुना था? नहीं, मैंने नहीं सुना नहीं सुना था, रिवाइंड करके नहीं। सुनिएगा। मैंने पहले उसे इस चीज का इंटीमेशन दिया था कि नबी पाक की बेहुर्मती और उसकी बेइज्जती के जिम्मेदार तुम होगे, लिहाजा अब मुझे साथ बदतमीजी ना करना, आखिरी वार्निंग है। ये कहने के बाद जब उसने दोबारा किया तो मैंने उसे किया, तो जिम्मेदार कौन हुआ, वो कि मैं? क्या? नहीं सर, आप उसको जो नहीं नहीं कुछ नहीं बताया नहीं 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 आप नहीं 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 गलत है क्या? ना 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 ना, स्ट्रीम मेरी है, रूल्स मेरे हैं। कानून पाकिस्तान में जो बना हुआ है किसने बनाया हुआ है? पाकिस्तानियों ने बनाया ना, जो उस मुल्क के हाकिम है। मेरी स्ट्रीम के रूल्स मेरे हैं। मेरी स्ट्रीम का रूल सर ये है, तुम मुझे बदतमीजी करोगे मैं तुम्हारे नबी पे जाऊंगा, मुझे साथ बदतमीजी मत करो ताकि मैं नबी पे मत जाऊं। आप सर करेंगे मेरे साथ बदतमीजी? क्यों ऐसा नहीं होता सर, मुझे बदतमीजी नहीं आती पहली नहीं बात हो तो, और सकता? दूसरी नहीं, आप मेरी बात सुनिए सर, आप दूसरे के सही, सेंटीमेंट से ऐसी हट नहीं कर सकते सर, मैं वो कर सकता कौन हूं सर। आई हैव द है फ्रीडम ऑफ रिलीजन सर? एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। सर ऐसे तो सर आपको माँ बाप को भी गाली देते कोई, वो भी सही रहेगा सर माँ आप बाप को जो गाली होती है वो जिंदा है, वो जिंदा होने की वजह से वो आपसे खुद बदला ले सकते हैं। लेकिन मैं उसके अगेंस्ट में मोहम्मद को गाली निकाल सकता हूँ, हालांकि मैंने अभी गाली नहीं निकाली, जो कुछ कहा है वो मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी गाली नहीं निकाली। लेकिन मैंने उसे कहा था ब्लास्फेमी के तुम खुद जिम्मेदार होगे, उसने फिर भी बदतमीजी की। आप बदतमीजी करेंगे, ब्लास्फेमी के जिम्मेदार आप होंगे, नॉट क्या मी। प्रूफ कर सकते हैं आप? बताया सर, क्या प्रूफ कर सकते हैं रसूल अल्लाह के ओके बारे में? आप क्या प्रूफ कर सकते हैं बताया सर, मुझे भी मैं सुनना है। आपको, हाँ कोई मसला ही नहीं सर। मोहम्मद साहब पैदा किस दिन हुए थे? आज ही के दिन पहले आज के दिन पैदा हुए थे। एक सही इंशाल्लाह। हदीस से साबित कर दें, एक, दो नहीं, तीन नहीं, नहीं, एक सही, एक हसन हदीस से साबित कर दें कि नबी पाक आज के दिन में पैदा हुए थे। चले ऐसा करें, एक दईफ हदीस से साबित कर दें कि तो नबी पाक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। आप पैदा क्या रिलेशन है सर? आप जो आप मुझे पहले कहा सर कि आप आपने मुझे कहा नबी पाक आज पैदा हुए, मैंने आपको बोला है एक सही हदीस से साबित कर दें, आप नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको कहा एक हसन हदीस से साबित कर दें, आप नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा एक ज़ईफ़ हदीस से साबित कर दें, आप नहीं कर सकते। फायदा? आपका मतलब आप क्या दलील लिखना चाहते हैं इसके लिए, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? बोल रहा हूं, जो गाली गलत बारह रबीउल अव्वल किस डंगर ने बनाई है कि नबी की पैदाइश है? देखिए सर, मैं आपको आपने कुछ दिन मतलब कुछ दिन पहले मैंने आपका स्कीम देखा था, ठीक है? उसमें सर वो बात तो बात कीजिएगा आपने कुछ दिन पहले की। अभी सर आज सर के दिन में मुझे ये बताइए, आप नबी उस दिन तो पाक मैंने 12 रबी अव्वल को पैदा हुए? कहां हाँ जी सर, पे लिखा है, किसने कहा है, कौन सी हदीस है? हदीस में हदीस की तेल मुझे है नहीं तो मैं आपको साबित नहीं कर सकता, तो मुझे पता है कि हाँ बड़े किस, लबड़े नहीं से कैसे मिलता पता है ना, यही तो पता है। वो कूड़ा जो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी वो भी नहीं मिली आज तक। अब वो बुढ़िया मर गई क्योंकि वो मिली नहीं। सेम इज द केस मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ है, सवाए एक जगह के, इब्ने इसहाक ने लिखा है बगैर किसी चेन ऑफ नरेटर के, यानी के बगैर किसी सनद के। और अगर कोई चीज सनद के बगैर हो तो उसको ज़ईफ़ हदीस नहीं कहते, उसको फैब्रिकेशन कहते हैं। साहिल क्या यार अरबी का लफ्ज है? बगैर सनद के हदीस को क्या कहते हैं साहिल? मौजू हदीस कहते हैं जिसकी मौजू, फैब्रिकेटेड को मौजू कहते मौजू फैब्रिकेटेड, कोई सनद ही नहीं है उसकी। मैं कह रहा हूं आपके पास सही हदीस नहीं है, आपके पास हसन हदीस नहीं है, आपके पास ज़ईफ़ हदीस नहीं जब है। तक कि जब तक उसकी सनद पेश नहीं की जाएगी उसको मोतबर नहीं माना जाएगा। रबी लबल को क्यों मनाते हैं आप? मुझे मुझे नहीं पता, बड़ा किसका पता है डॉक्टर? अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पता है कि 12 रबी लबल ही है उसकी हाँ मोहम्मद की पैदाइश। देखिए, ये हम सुनते आ रहे हैं ना, हम सुनते आ रहे हैं कि आज के बर्थडे है,
सर आप लोग सुनी सुनाई बातों पे क्यों ईमान लाते हैं? सच वाला जी फिर वही बात होगी, हमने सुनी थी ईमान की बात। ईमान की बात करती है सर, ईमान तो मतलब हम रसूल अल्लाह पे ईमान नहीं लाते सर। ईमान ईमान तो अल्लाह ताला पे लाई जाती है सर। ओके कलमा कलमा शहादत सुनाए। क्या शहादत सुनाए शिव जी? थैंक यू सो वेरी मच। एंड डेनवर जॉनसन कह रहे हैं शिव जी यू सीम्स टू बी हैविंग फैन बॉय मोमेंट टुडे। थैंक यू डेनवर जॉनसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई निकल गया, भाई निकल गया। भाई जान जब आपको मालूम ही नहीं है कुछ, आप कह रहे हैं सिर्फ सुनते क्या यार, अकिल झांट नहीं तनख्वाह बढ़ाओ खाली। सर आपको तो कुछ आपका नहीं पता। वैसे भी बात यह है कि मोमिन कहते ही हैं मानने वाले को ना भाई, जानने वाले को, तहकीक करने वाले को मोमिन नहीं कहते ना, जानने वाले को एक्स मोमिन कहते हैं, एक्स मुस्लिम कहते हैं। जानने के बाद एक्स मुस्लिम हो जाता है, जो मानता है वो मुस्लिम कहलाता है। यह है असल बात, यह है असल। दुरुस्त फरमाया सच वाला जी, आप दुरुस्त फरमाया, 100% दुरुस्त फरमाया। रोहान सिंह जी पापा रंजीत को याद कर रहे हैं। साहिल भाई आप है ना पापा रंजीत? और नमस्कार साहिल जी, मैंने मैंने उनको रिप्लाई किया है, रोहान उर्फ रहमान भाई आपका भी स्वागत है। तो नमस्कार आया सचवाला जी को, प्रणाम आया है। सॉरी गाइस नॉट बीन एबल टू फॉलो फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स ड्यू टू फैमिली इमरजेंसीज, मिस्ड अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्ट्रीम सर, सॉरी सर। आपकी फैमिली इमरजेंसी थी, उम्मीद है कि अब आप खैरियत से होंगे और इमरजेंसी दूर हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सर। तो अच्छा लाला जी मैं ये कह रहा था कि मेरे घर खुद ही मेरे घर में बहुत बड़ा काफी प्रोग्राम है इसी रबी अल-अव्वल शरीफ को लेकर के, और बहुत बड़ा जलसा है, उसमें शिरकत भी जरूरी है, लेकिन आपकी जो स्ट्रीम होती है उसका देखने का मजा ही कुछ और। साजिद भाई तो अपने घर वालों से पूछे ये कहाँ लिखा है 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद की बिदाई से, पूछे। अरे गाल रगड़ते रगड़ते मर जाएंगे लाला जी, बता नहीं पाएंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं मजबूरन मुझे अभी तो जाना पड़ेगा फिलहाल, और मेरी बदकिस्मती कि मैं आपकी स्ट्रीम अभी सुन नहीं पाऊंगा। अरे तो... लेकिन सर आप उनसे जरूर पूछे 12 रबीउल अव्वल कहाँ लिखा हुआ है और वो हमारे पास लेके आइए। सर मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक ही जगह मिली है इब्ने इसहाक की, और वो बगैर किसी सनद के है। तो बगैर किसी सनद की हदीस कैसे मान ली आपने? जो इब्ने इसहाक का हवाला दे रहे हैं तो वो भी मैंने पढ़ी थी, कोई कोई में सनद कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है। और अगर अहले तशय्यु की देखेंगे तो वो 12 को भी नहीं मानते, 17 है, वो 17 है, 17 भी 18 भी है, 18 भी, और उसमें भी सनद नहीं है, उसमें भी सनद नहीं है, फलाने इमाम ने कह दिया बवाल खत्म। और इनको पूछेगा तो कहेंगे कि बस भाई मनाते हैं मनाते हैं, बस वही कहते हैं ना अकिल झांट नहीं तनखा बढ़ाओ, तो बस सुनते रहो। जी सच वाला जी, आप कुछ कह रहे थे साजिद भाई। अच्छा वो बुढ़िया वाली जो है हदीस को मैं भी जिंदगी भर ढूंढता रहा, लेकिन बुढ़िया वाली बुढ़िया तो नहीं मिली, लेकिन हर जगह कचरा मिला। हाँ वो तो मिलना ही था असल में, जो हर जगह जो है कचरा मिला लेकिन बुढ़िया नहीं मिली यार। जो पहले के दौर के लोग कुछ गुजर चुके हैं वो शायद चाहते थे, हमारी रगबत चाहते थे कि ये बंदे बुढ़िया को ढूंढते ढूंढते कचरे की तरफ जाएं, और कचरा फिर दिख रहा है भैया, वो दिखेगा कचरा। जी हाँ यही बात है, बिल्कुल यही बात है। सर मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि ये मुसलमान जो हैं कि ये हदीस सही नहीं है, ये हसन है, ये फलानी है, ये टमकानी है, खुद इतना बड़ा इवेंट एक मादूद हदीस से लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट पूरी दुनिया में मनाने वाला इवेंट एक मादू हदीस से लेके चल रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी हमारे आका की विलादत साथ, और कोई रेफरेंस ही नहीं है उस चीज का इनके पास। जी हाँ मादू, बिल्कुल मादूम, जी हाँ मादूम। अच्छा लाला जी मैं अभी कुछ देर पहले मैंने एक नाशरी मैंने पढ़ी, बड़ी झूम झूम के पूरी पब्लिक पागल हो गई, ये तो घर का बंदा, मैं पीर साहब का बेटा, मैं ठहरा पीर साहब का बेटा, अगर कुछ भी पढ़ दूं तो फिर मुरीदीन का बस मेरा पैर चूमेंगे, अरे यार पीर साहब के साहबजादे ने पढ़ दिया, हाय 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 हाय, वो गला फाड़ के सब रो रहे हैं, कोई नारा लगा रहा है, अरे यार का चलो ठीक है, जेब तो गर्म हो रही है ना। अरे नहीं लाला जी मैंने पहले साजिद भाई को वहाँ सुपर चैट मिलते थे भाई, साजिद भाई को वहाँ सुपर चैट मिलते थे।
हाँ सुपर लाइव ये देखिए मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, सुपर चैट मिलना शुरू हो गए, अब वो भी कैश में, आपको एक महीने बाद आता है यार, क्या बराबरी, वो भी कैश में मिल रहे हाँ वो भी कैश में अभी हाथों हाथ, क्या बराबरी करेगा तू। अरे बाप रे बाप। अच्छा और एक फायदा ये है कि 30% भी नहीं कटेंगे ना, पूरा मुकम्मल है हमारे हमारे सुपर चैट में से तो 30% कट जाते हैं, साजिद भाई को जो सुपर चैट्स मिल रहे हैं उसमें 30% भी नहीं कटेंगे। अच्छा दूसरा एक बंदा अभी आया था वो एक्सपर्ट बोल रहा था, वो है कि चला गया? अरे हमारा सर दर्द फिर करना चाहते हो क्या साजिद भाई? अरे नहीं वो मैं सुन रहा था और यहाँ पे फुल बता रहा था, तो वही मैं बोल रहा हूँ साला हम लोगों से पूछ रहा है कितने एक्सपर्ट हैं, पड़ोस में अगर साहिल भाई दाल भी बनती रहती है कुकर में तो यहाँ पे बाहर से अपने घर से सीटी मार के हम लोग उसको गला देते हैं, हम लोग एक्सपर्ट हम लोग हैं, हम लोगों से पूछेगा ये एक्सपर्ट, पड़ोस की दाल हम लोग सीटी मार के गलाते हैं। बेशक बेशक यार, ये टीवी वाले मौलाना है जिन्होंने ये लिखा कुछ हिंदी में? हाँ टीवी वाला मौलाना 100 रुपीज का, सूरा 1 आयत 1, मैं अल्लाह हूँ मोहम्मद की सी एंड क्या ये जो भी है इंग्लिश मुझे आती नहीं, डिजायर पूरी करने आया हूँ, सी एंड सेक्सुअल डिजायर पूरी करने आया, सेक्सुअल 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 डिजायर। तो यार बाय द वे बहुत सारे लोग लाइव चैनल में बैठे हुए, यार आप उर्दू चैनल की रीच वापस बढ़ाने की कोशिश करें और उर्दू चैनल पे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे हम लाइव है, दोनों चैनल पे लाइव हूँ, तो उर्दू चैनल पे आ जाए कुछ लोग वापस उर्दू चैनल, अगले 2-3 हफ्ते के बाद जो है ना वो चैनल जो है वो दोबारा सेट हो जाएगा और उसके ऊपर से स्ट्राइकें हट जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को बताते चलूं 29 तारीख इस महीने की 29 तारीख को डेविड वुड मेरे उर्दू चैनल पे मौजूद होगा। डेविड वुड, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि डेविड वुड को अपने चैनल पे बुलाया जाए, तो इस महीने की 29 तारीख को डेविड वुड मेरे पास मेरे चैनल पे होगा। वो तकरीबन 2 घंटे के लिए आएगा, हम लोग 9 बजे अपनी स्ट्रीम का स्टार्ट करेंगे जैसे कि हम करते होते हैं, वो तकरीबन 11 बजे हमारे साथ जुड़ेगा और 11 बजे से रात 1-2 बजे तक हमारे साथ होगा। डेविड वुड 29 अक्टूबर को सैटरडे को हमारे साथ मौजूद होगा तकरीबन 11 बजे से 1-2 बजे तक। तो जिन लोगों का बड़ा दिल था डेविड वुड से गपशप करने का, उस टाइम पे हम ओपन लोगों से क्वेश्चंस लेंगे, जैसे अगर डेविड वुड होगा तो क्वेश्चंस हम ओपन लेंगे लोगों से, स्ट्रीम यार्ड को हम क्लोज करेंगे और कमेंट में क्वेश्चंस लेंगे, इसके आंसर्स डेविड वुड से लेंगे और मैं उसकी ट्रांसलेशन कर दूंगा, तो उम्मीद है वो आपको अच्छा लगेगा। तो साहिल भाई स्पेशली सचवला जी जरूर जुड़िएगा उस दिन 29 तारीख को डेविड वुड के साथ हम गपशप लगाएंगे, स्ट्रीम 9 बजे शुरू हो जाएगी लेकिन डेविड वुड आएंगे 11 बजे। ठीक है ठीक है साजिद भाई, थैंक यू, आप जो है थोड़ी सी ले ले आप सुपर चैट्स लाइव किस्म की, तो हम जरा मोमिनों के साथ गपशप लगा लेते हैं इन द मीन टाइम, देखते हैं हमें 12 रबी अव्वल की कोई रेफरेंस मिल जाए, आप भी देखें अगर आपको कोई रेफरेंस मिल जाए तो जरूर आके दीजिएगा जी। ओके लाला जी टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर सर। अच्छा लाला जी, लाला जी मैं नीचे चैट में जाता हूँ, ऊपर बहुत सारे लोग है, ठीक है चैट में जाता हूँ नीचे में। थैंक यू मुन्ना जी, थैंक यू मुन्ना जी। हाँ हाँ और हमारे सिनाथ सी आप कह रहे हैं सेफ चाइल्ड फ्रॉम मदरसा वॉच प्लेज ऑफ टू डेथ। ओके अरे शिव भाई हमारे पास फिर आए एक बार, साहिल भाई यूट्यूब के 30% बनाता है क्या? तकरीबन 30% वो काट लेता है टेक्स्ट बुक्स के रमजे में और बाकी तमाम चीजों के रमजे में। शिव भाई बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं कि उसका 30% बनता है, मतलब YouTube deserves that and it is true YouTube is giving us a platform ताकि हम अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाए, तो 30% तो बनता है भाई उसको। बिल्कुल सर। तो सर हमारे साथ 3 मोमिन जुड़े हुए हैं इस वक्त, एक हमारे पास सुहेल साहब जुड़े हुए हैं, सुहेल साहब और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अली साहब जिनका जो कि दूसरे अली, अली आप मुसलमान हैं? अली 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 साहब म्यूट हैं जी, अली साहब अनम्यूट करें। हेलो जी सर, आप मुसलमान हैं अभी तक, इस्लाम छोड़ दिया आपने? Hello. अली साहेब, अरे भाई सुहेब अली भाई आप तो म्यूट करके बैठे ना, आप पता नहीं क्या सड़क पे बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। इन टाइम आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्योंकि
जी सर, आपको मिल गया सर नबी पाक की पैदाइश का दिन, वो तो आप बता रहे हैं। क्योंकि आप झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहा हूँ, मतलब आज के दिन नहीं हुई थी? नहीं, कोई एक भी रेफरेंस नहीं है इसका। आप ठीक है सर, आप साबित करें कि आज के दिन नहीं हुई थी। सजली जरा सुने ये बात, मैं कह रहा हूँ कि एक भी रेफरेंस नहीं है इस चीज का सही हदीसों में, ये कह रहे हैं साबित करें, आप साबित करें, मैं तो मुंह से कह रहा हूँ एक भी रेफरेंस नहीं है। अरे साबित उस चीज का कोई रेफरेंस हो तो मैं रेफरेंस दिखाऊं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एक भी रेफरेंस नहीं है। यार क्या लॉजिक। अच्छा आदम, अगर मैं ये पूछ लूं कि वाकई पैदाइश हुई भी थी या नहीं, इसका क्या सबूत है इनके पास? अल्लाह या खुदाया, क्या बनेगा सच की बातें कर रहे हो जी, कोई सबूत है आपके पास? मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है सर, पूछेगा लेकिन पहले साबित तो करे कि जो टॉपिक है इस पर बात कीजिए ना भाई, टॉपिक क्या है उस पर बात कीजिए। आप मुझे ये साबित करे कि आज के दिन मतलब वो पैदा नहीं हुए थे, ये आप साबित करे। यार भाई यही तो कह रहा हूँ आपको, जिस चीज का कोई रेफरेंस ही नहीं है तो मैं उसे कैसे दिखाऊं? मैं तो कह रहा हूँ रेफरेंस है ही नहीं उसके पैदा होने का 12 रबी अव्वल का। आर यू किडिंग मी? एक बंदा बोल रहा है इसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं लिखा तो मेरे को, मैं यही तो कह रहा हूँ। भाई यार ये क्या है यार। हेलो एडम भाई। जी भाई, देखो कोई चीज या तो कहने के लिए उनकी पैदाइश की भी कोई हदीस नहीं है, उनके जो है इंतकाल का दिन का भी कोई हदीस नहीं है, जो चीज उनको इम्पोर्टेंट है वो है इस्लाम में, जो इम्पोर्टेंट वो नहीं है। अरे दो नंबर गालिब साहब आए, आबिद भाई है ना? हाँ भाई। इस्लाम में आपने कहा कि इस्लाम में जो इम्पोर्टेंट है वो है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं है। अच्छा ये बताइए कि इस्लाम में इम्पोर्टेंट है क्या क्या है? कुरान और हदीस, जो चीज है कुरान में, जो चीज अच्छा जो चीज है। जी ये सर्कुलर लॉजिक है, इम्पोर्टेंट है कुरान और हदीस, कुरान और हदीस इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुरान और हदीस में तो मोहम्मद की पैदाइश है ही नहीं, तो कुरान और हदीस को जब हम पढ़ते हैं तो मोहम्मद की पैदाइश नहीं मिलती। दैट्स अ सर्कुलर लॉजिक, दैट इज स्टुपिडिटी। यानी कि जो कुछ कुरान और हदीस में नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो कुछ कुरान और हदीस में है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज सर्कुलर लॉजिक। ये स्टुपिडिटी कहलाती है। तो मेरे भाई पैदाइश से क्या फायदा होता है? अगर मान लो हम लोग जान ही जाते कि इस दिन पैदा हुए थे या इस दिन इंतकाल। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? आप कुरान कह रहे हैं मेरे भाई। अच्छा देखिए, जिसे कुरान कहा जाता है उसमें जिसे अल्लाह कहा गया वो भी गायब है, जिसे मोहम्मद कहा गया वो भी गायब है। आपको पता है इस बात का? इस बात का पता है, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। दोनों भी गायब है, कुरान में है पूरा, कुरान मोहम्मद भी गायब है, अल्लाह भी गायब है, मोहम्मद भी गायब है, पूरे कुरान कुरान की एक आयत है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तो किधर गायब है? किससे बोल रहा है? अरे कौन किससे बोल रहा है? कुल का कायल कौन है? कुल से आयत शुरू हो रही है, इन्नमा अगला वर्ड है, किससे बात हो रही है? भाई कुल कौन कह रहा है? कुल कौन कह रहा है? अल्लाह अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कहाँ है इसमें? अरे मेरे भाई अल्लाह कहाँ है इसमें? बस सच उनके ज़हन में है ना कि अल्लाह कह रहा है। जी असल में बात यही तो है ना, ये अल्लाह जो है आपके जहन की खुराफात है, आपके जहन में है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अल्लाह का कहीं कोई वजूद नहीं है, ना अल्लाह का वजूद है ना मोहम्मद का वजूद है, ये दोनों कुरान की जो है टाइटल है। जी ये दोनों भी सिर्फ जो है तुगरे हैं, तुगरे कुरान की बोली मोहम्मद की बोली, अरबी यानी अरबों ने लिखा है इसको, अरबी जानने वाले अरबी बोली बोलने वालों ने लिखा, और क्या है? तो अब सुनो ये कि मोहम्मद ने बोला था,
तो अब क्यों नहीं कोई ऐसी किताब कोई और आई, सिर्फ कुरान ही क्या करेंगे यार, एक से एक किताब से जो है एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को, आप दूसरे और उल्लू चाहते हैं? नहीं, आप आप इसको दूसरी तरह देखें, अगर ये इतनी शानदार किताब है तो किसी कोई एक ऑथर इन द हिस्ट्री वाज नॉट इंटरेस्टेड टू रीराइट इट, कोई लिख ही नहीं सकता मेरे भाई, लिख सकता नहीं, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई चाहता नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है ऐसी किताब लिखना। अगर आज क्या है, अच्छा हमारे अली भाई और जो है सुहेब भाई अगर आपको ये समझना है, वाकई जानना चाहते हैं इस मामले में, आप सीरियस हैं, तो मैंने कुरान के हवाले से एक सीरीज का जो है शुरुआत की है, दर्स कुरान के नाम से, कुरान का ट्रांसलेशन विदाउट ब्रैकेट, जिस किसी को कुरान क्या है और क्या नहीं है ये जानना है तो वो मेरे चैनल पर आए, और उस पर मैंने ये सीरीज शुरू की है, रोजाना मैं एक घंटा कुरान का दर्स देता हूँ, आप गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता चलेगा, तब आपको आप जो है पता चलेगा कुरान क्या है और क्या नहीं है। अब ये भाई लोगों, मैंने भाई लोगों ये सचवाला जी का चैनल मैंने लाइव चैट में डाल दिया, नया चैनल है इनका, तो ये नया चैनल है इनका, और आप सारे लोगों ने दर्शित कुरान चल रहा है आजकल, तो सूरह यूट्यूब भी लगी हुई है बाय द वे, सचवाला जी आपका चैनल मैंने दोबारा फेंक दिया। अब यही ये वही चीज हुई कि जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडिया को जो डिफेंड करेगी, ये कौन सी बात है, वक्त पे कोई कुरान सीखने जाएगा? अरे जाहिर बात है, मेरे जिंदगी में कुरान ही तो पढ़ा है ना भाई, कुरान मुझसे लेकर किससे सीखेंगे आप, कौन सिखाएगा आपको, मुल्ला सिखाएगा? भाई 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 सुनो, अगर आपको ये हदीस ना पता हो, रसूलुल्लाह की हदीस है कि अगर सही बात इबलीस भी दे शैतान भी दे तो उसको भी ले लेना चाहिए, वो हदीस याद है क्या? नहीं, माशाल्लाह, हाँ तो बहुत बड़ा झूठा लेकिन बात बड़ी सच्ची कह के गया है, शैतान जो है वो इंसान की शक्ल में आके चोरी कर रहा था, साहबा पकड़ रहे थे, दो दिन पकड़े, तीसरे बार पकड़ के धमकी दी कि अभी रसूलुल्लाह के पास लेके जाएंगे, तो उसने कहा कि मैं तुमको एक बात बताता हूँ, और उसने शायद आयतुल कुर्सी की के बारे में बताया था कि जो इसको पढ़ेगा हाँ वो शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा, तो जब रसूलुल्लाह के पास ये मामला बताया गया, साहबा ने जब बताया तो रसूलुल्लाह ने कहा था तो बहुत बड़ा झूठा लेकिन बात सच्ची कह के गया है, तो भाई ये जो अमल है ये तो शैतान ने दिया था लेकिन सही अमल था तो रसूलुल्लाह ने उसको एक्सेप्ट किया, तो अगर सच वाला जी सही अमल बता रहे हैं, सही चीज बता रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सीखोगे उनसे? जिद ने एक बार आप सुन तो लेना मैं क्या कह रहा हूं, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों की जिद यह है कि नहीं नहीं इसकी बात नहीं सुनना है, अब ये आपका आपका मसला है ना भाई, आप लोगों का मसला है, और आप कुरान सिखाएं और एडम सर जो हदीस सिखाएं। नहीं मेरा हदीस सामने आप हदीस सामने आपके, अच्छा आज के टॉपिक पे बात कर दें, आज के टॉपिक पे मेरा एक सवाल है, आपने ये कहा कि आप साबित करें कि वो उस दिन पैदा नहीं हुई, ये आपका दावा था? मेरे मैं तो ये कहता हूँ कि ये है ही नहीं कि कौन से दिनों पैदा हुए थे या कौन से दिनों इंतकाल हुए थे, कहीं है ही नहीं पूरे इस्लाम की हिस्ट्री में, कहीं ये नहीं इस्लाम की। अच्छा इसमें मैं एक आर्गुमेंट दूंगा, आप क्यों मना रहे हो अली अली भाई, मैं इस पे एक आर्गुमेंट दूंगा, इनका ये कहना है कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसका होना जरूरी नहीं है, ठीक है, या वो चीज नहीं है मतलब वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जैसे कि रसूलुल्लाह का बर्थ डेट, इसी तरीके से अगर आप इसको कुरान पे देखें तो कुरान भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि जो रसूलुल्लाह के जमाने का नुस्खा है या जो हजरत अबू बकर के जमाने का नुस्खा है या जो हजरत उस्मान के जमाने का नुस्खा है, वो किसी मुसलमान ने उसको संभाल के ही नहीं रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुरान भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही बात, बेशक बेशक, जब वो नहीं लॉजिक में आप फिनिश्ड, आप लॉजिक बड़ी जबरदस्त। अच्छा एडम सीकर, अच्छा एडम सीकर, आपको पता है कि मुसलमानों ने कुरान नबी के जमाने का कुरान तो संभाल कर नहीं रखा लेकिन नबी का मुंह मुबारक संभाल के रखा है, मुंह मुबारक जला दिए, बाल 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 समाज,
ये आप कैसे करें जो कुरान लिखा गया वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो नुस्खे थे उसी से लिखा गया उमर रजी अल्लाह अन्हु। कहां है वो नुस्खे, कहां है वो नुस्खे 1400 साल पुराने, कहां है कातिबी ने वही ने वही ने जो जलाने वाली बात थी उस्मान रजी अल्लाह तआला को उस टाइम पे हुआ था जलाने वाले वो डिफरेंट वर्जन था कुरान का, वो एक सिंगुलराइज करने के लिए वो क्या था, क्या भाषा में था। एक सेकंड गाइस, दो बंदे बोल रहे हैं और डिफरेंट चीजें बोल रहे हैं। अच्छा, जब पहला कुरान जो हफ्जा के बेड के नीचे लिखा रखा गया था वो कहाँ किस तरह कलेक्ट किया था, कूड़े कूड़े करकट के ढेर में से कलेक्ट किया था ना पहला कुरान। पहला कुरान कूड़े करकट के ढेर से कलेक्ट किया था ना, जो हफ्जा के बेड पे रखा था उस्मान से पहले जो अबू बकर ने लिखा था वो कूड़े करकट के ढेर से कलेक्ट किया था ना। हाँ नहीं नहीं, वो तो लिखा था, लेकिन जाके अलग अलग चीज चेंज होने लगा था, तो उसकी वजह से पूरे 4-5 नुस्खे थे कुरान के, तो सब मंगा के जला दिए गए। फिर उस्मान रजी अल्लाह उन्होंने जो जो नुस्खे पढ़े थे पहले, जो एक एक आए सूरह के सब लिखा के फिर कुरान। यार एक तो आप लोग जब रटी रटाई बातें करते हैं तो समझते नहीं है, जो पहला कुरान था, पहला कुरान जो लिखा गया था वो किस तरीके से लिखा गया था, कहाँ से कलेक्ट किया था, कैसे कलेक्ट किया था, वो तो जो जो उस वक्त जो हाफिज थे कुरान के ही नुस्खे थे उसी से लिखा गया था। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ सर। जहाँ तक मुझे पता है कि उस वक्त कोई रिटन राइटिंग थी नहीं, तो पत्थर पे या कोई दीवार विवार पे लिखा करते थे कुरान। क्या बात कर रहे हैं आयत, तो जो आपके हाथ में कुरान है जमा करना ये बिदत है, ये बिदत है और हर बिदत गुमराही है। गुमराही नहीं सर, गुमराही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आग में लेके जाती है जहन्नुम की दया। अब कुरान की एक और आयत है कि जो जब जाहिलों से तुम्हारी हुज्जत हो तो भाई जब वो समझेंगे ही नहीं तो फिर सलाम करके आगे बढ़ जाओ। वही तो पहले जाहिल है, आपको साबित करना पड़ेगा ना भाई, जाहिल हमको साबित करने में आप खुद जाहिल साबित हो जाते हो। नहीं वहां पे जब इतना पूरा खुला है कि कुरान जो है नुस्खे से लिखा गया, जो भी उस वक्त नुस्खा था उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा। आदम ने आपसे एक सवाल किया, क्या किया उसका आपने जवाब दिया? आदम ने अभी एक सवाल किया था, कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो देखे जो पहला कुरान है ठीक है वो कूड़े करकट से बनाया गया है। ये देखे आपके सामने आती है हदीस, ये अब ये देखें, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कुरान एंड कलेक्टिंग इट फ्रॉम पाम स्टॉक्स, पाम के दरख्तों की छाले, थिन स्टोन्स, पत्थर, बारीक पत्थर, आल्सो फ्रॉम मेन हु आर इन हार्ड टिल आई फाउंड द सूरज। सो कुरान तो कूड़े करकट से उठा के बनाया गया। और बल्कि एक और हदीस है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि कॉपी हफ्जा को दे दी गई थी बाद में, फिर इस तमाम कूड़े करकट को फेंक दिया गया था। बोन्स, शोल्डर बोन्स तक है, शोल्डर बोन्स तक है, शोल्डर बोन्स पे भी लिखा हुआ था, वहां से उठा के कुरान को बना लिया गया एक के अंदर और वो हफ्जा को दे दिया गया। ये कुरान हफ्जा के बिस्तर के पास रहा फॉर 20 years। 20 साल बाद उस्मान ने इस कुरान को पकड़ के जला दिया और अपना कुरान दिया, जिसको आप कहते हैं उत्मानिक कुरान। ये कुरान आपके पास आ जाएगा दूसरी अदर हदीसों के अंदर। कुरान आपके पास दिया गया 4 लोगों से कलेक्शन करके, मिसकात की हदीस भी है, बुखारी की 4986 भी है, मल्टीपल हदीस है, ठीक है। वहां से आपको दूसरा कुरान मिला जिसको उत्मानिक कुरान कहते हैं। उत्मानिक कुरान की एक कॉपी भी आपके पास है, एक कॉपी हमारे पास नहीं, लेकिन दुनिया में तो है ना, कहीं कहीं है तो दुनिया में किस जगह में, एक जगह बताइए किसी एक जगह। मगर हमें देखनी हो तो कहाँ जाए, मतलब हम तुर्की में, तुर्की में, तुर्की में है। तुर्की का क्या है, आपको आपने कभी स्टडी की है उसकी, स्टडी की है? नहीं मैं तो स्टडी कैसे करूं, आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जो ही माल लाया ना भाई। तुर्की में क्या है और क्या नहीं आपको पता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है आपको, देखा ही नहीं। लेकिन अरे मेरे भाई तुर्की में क्या है, नहीं देखे कम से कम जानना तो चाहिए ना, उसकी तहकीक करें आप, तब आपको पता चलेगा कि तुर्की में क्या है, आपको तुर्की में क्या है, समरकंद में क्या है, मशहद हुसैनी काहिरा में क्या है, सनआ की जामे अल कबीर में क्या है, बर्मिंघम के जो है वो जो यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको स्टडी करने के बाद पता चलेगा ना।
आपको मुल्लाओं ने जो कह दिया आप मुल्लाओं पर ईमान लाए, इसके अलावा ईमान आप कहां से लाए हैं? आपका ईमान मुल्लाओं के जरिए से आया ना, और आपकी अपनी जाती तहकीक तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक और हदीस है सच वाला जी के, जिसमें ये जब वो कुरान जमा हो गया तब इसकी सब कुछ कंप्लीट हो गई, उसके बाद एक आयत आई कि जिसका कुछ पता नहीं था कि इसको कहाँ रखें, फिर सूरह मुदस्सिर में उस आयत को रखा गया मशवरे के बाद, किसी को कुछ नहीं पता था उस आयत को किधर रखें। तो कुरान तो इस तरह जमा हुआ है मशवरे से और आपस में बातचीत करके, और इस तरह किसी को थोड़ी पता था। एक नई बात आ गई सामने, अब ये क्या होगा सच वाला? यार ये ऐसे ही लिखा हुआ, जाके पढ़ो तो सही। नहीं कुरान तो खिचड़ी है ना भाई, कुरान में सबसे आखिर में होने वाली आयत कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, असल में उसूलन ये आयत कुरान के एकदम लास्ट में होनी चाहिए, लेकिन ये आयत कहां पड़ी है? सूरह माईदा में, जो कि छठी सूरह माईदा में, उसके बाद आई सूरह तौबा और उसके बाद आई एक और सूरह, तो जो बाद की सूरह वो तो फारिग हो गई, फिर वो क्यों आई? और फिर जो सबसे पहली वही कहा जाता है, सबसे पहली वही वो कहां पड़ी है? 96 नंबर आयत, बिल्कुल आखिर में 96 नंबर की 96 पड़ी, 96 नंबर सूरह, और सूरह माईदा पांचवी सूरत है, उसमें जो है सबसे आखिरी। ये क्या खिचड़ी है भाई, कुरान को खिचड़ी किसने बनाया? कौन सी आयत कहां पड़ी है, एकदम इधर से उधर, उधर से उधर, क्या क्या किस्सा है? यही तो कुरान की खूबी है। हाय सचवाला जी सुने, सचवाला जी कह रहे हैं यही कुरान की खूबी है कि कोई लेफ्ट राइट बड़े, कुरान की खूबी है। यानी बात ये है कि एक शख्स जो है अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, कोई पूछे यार ये क्या क्या किस्सा है, कहें यही तो क्वालिटी है भाई, यही तो खूबी है, यही तो खूबी है। और खुद नासिख व मनसूख का मसला एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, नासिख व मनसूख का मसला एग्जिस्ट ही क्यों करता है फिर? एक मिनट सचवाला जी, अगर उसमें आप देखेंगे कुरान में, अगर बहुत से ऐसे वाक्यात हैं जो अलग अलग सूरे में है, लेकिन कुछ वाक्य जैसे पूरे यूसुफ ले लें, उसमें एक ही सूरे में पूरा वाक्य है। अरे भाई कम से कम एक तो काम ढंग का किया होता कुरान की जमा करने वाले ने, तो कुरान को कुरान रखा होता, खिचड़ी क्यों बनाया? अरे यार ऐसी खिचड़ी के जो है वो लगता है ख्वाजा का जो है वो क्या कहते हैं लंगर, ख्वाजा का दीन का लंगर लगता है, लंगर कुरान नहीं है, लंगर है। मेरा सवाल ये है एलन सर, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से, आप क्या साबित करना चाहते हो? अरे आप लोग पैदाइश मना रहे हैं, पाकिस्तान में कल इतने पैसे खर्चे गए हैं, इतना कुछ किया गया है, सारी सारी रात सुन लो, सारी सारी रात नमाजे तस्बीह पढ़ी गई है, ठीक है, रोजे रखे गए हैं, 12 रबीउल अव्वल नबी पाक की पैदाइश, और शिया सुन्नी के फसाद होते रहते हैं पाकिस्तान में, वो 17 को मनाते हैं और सुन्नी 12 को मनाते हैं। मुझे बताएं 12 रबीउल अव्वल आपको मिली कहां से? और ऑल इंडिया लेवल पर उसको जो है मतलब नेशनल हॉलिडे जो है डिक्लेयर किया गया, और जाहिर बात अच्छा? है गुंडागर्दी की वजह से, हाँ ऑल इंडिया में जो है ये नेशनल हॉलिडे है भाई, ना करे सच वाला। यार मैं आप लोग, वैसे मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, इंडिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा आजादी है, मतलब इन्हें काफिरों की कंट्री में इतनी आजादी है, नेशनल हॉलिडे। अरे आजादी तो भारत में है भाई, पाकिस्तान में कहां आजादी है? वही तो मैं कह रहा हूं कि इनको, आपको पता है कि इनको, आपको पता है कि इनको 3 तलाकें भी इंडिया में चाहिए, पाकिस्तान तक में नहीं होता 3 तलाक का, इनको इतनी आजादी चाहिए, मतलब इंडिया में इतनी आजादी। सचवा जी इंडिया अंडर इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ गया क्या? नेशनल हॉलिडे किस चीज की यार? जाहिर बात है आपको जो है ये 10 मुहर्रम भी जो है, 10 मुहर्रम भी है भाई, 10 मुहर्रम। आप सोचें इन दो नेशनल हॉलीडेज पे अगर पूरी कौम के मैन आवर्स किसी प्रोडक्टिव काम पे लगाए जाएं तो कितने करोड़ों डॉलर का फायदा हो। लेकिन नहीं, बात है, लेकिन क्या है मतलब अगर ना करें तो जो है ये धांधलियां करते हैं, धूम मचाते हैं। लेकिन सचवाला जी नेशनल हॉलीडे इंडिया में मुसलमानों ने लड़ाई करके करवा ली, लेकिन इन मुसलों के पास एक सही हदीस नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद की पैदाइश थी, एक सही हदीस नहीं। इनके पास दलील कुछ भी नहीं होगी, सबूत नहीं होगा, ये है गुंडागर्दी जरूर करेंगे, दादागिरी जरूर करेंगे। मैं तो पहले बता दिया कि कोई हदीस नहीं है, हमको किसके बारे में पता भी नहीं। आप इस बात का जवाब दे दो कि आप मानते हो कि ईद मिलादुन्नबी मनाना बिदअत है? नहीं मनाना चाहिए, वो पाकिस्तान वाले अगर मना, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, बिदअत है या नहीं? इंडिया में नेशनल हॉलिडे की बनवाई, बिदअत है? मैं बिदअत है भाई, बिदअत है भाई, कह रहे बिदअत है, बिदअत है। इंडिया में नेशनल हॉलिडे के खिलाफ आपकी कौम जो इसको बिदअत मानती है क्यों नहीं खड़ी हुई? मुझे पता है कुछ लोग बिदअत मानते हैं, आप उनमें से है, क्यों नहीं खड़ी हुई आपकी कौम? क्यों नेशनल हॉलिडे करवा रहे हो 12 रबीउल अव्वल को इंडिया में?
अरे तो हमारे कहने से खत्म भी नहीं होगा, हमारे कहने से शुरू भी नहीं होगा। नहीं, तुम लोगों के कहने से शुरू हो रहा है ना, तुम लोगों ने चीखे मारी है सड़कों पे, निकलो ही हो रहा है ना। इसको लेकर सड़कों पे नहीं आया क्योंकि लद्दाख को 3 दिन हॉलीडे दे होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, मेरे कहने से होगा नहीं होगा। अरे पेगन भाई मुझे ये बताओ कि इस पे जो इंडिया में हॉलीडे का ढोला रप्पा था ये क्यों नहीं रोका गया, जब तुम्हारे पास एक भी हुज्जत नहीं है इस चीज के लिए। तुम सड़कों पे क्यों नहीं निकले, एहतजाज क्यों नहीं किए कि इस बिद्दत को खत्म किया जाए? अरे भाई कुछ तो है जो इसको मनाते हैं, जैसे कुछ मुसलमान मनाते हैं तो फिर हम लोग मेजोरिटी बनाती है। अरे भारत के जो है जो मेजोरिटी है मुसलमानों की मेजोरिटी बनाती है, मनाती है, मालूम है आपको? आप इतना भी नहीं जानते, इतना भी नहीं जानते, भारत की मेजोरिटी मनाती है भाई। ये वही लोग मनाते हैं जो पाकिस्तान के कनेक्शन में है, जो पाकिस्तान से मिलता जुलता वही। भाई अच्छा आप पाकिस्तान के कनेक्शन में नहीं है, सच मैं नहीं हूँ। सुनिए अच्छा, आप मोमिन है ना? आप मोमिन है? नहीं है मोमिन है? मैं मोमिन। अच्छा आप कुरान पर ईमान लाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। आप ये भी मानते हैं कि कुरान में जो लिखा है वो बिल्कुल जो है सच्चा है, आते हैं ना? कुरान क्या कह रहा मालूम है? अकॉर्डिंग टू कुरान, यानी यूं समझ लिए कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, इन नमल मुमिनूना इख्वा। और जो अब इस एतबार से कुरान की इस दलील के मुताबिक एक पाकिस्तानी मुसलमान एक हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई है, मगर एक हिंदुस्तानी हिंदू एक हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई नहीं है, तो इस एतबार से आपका ताल्लुक पाकिस्तान के मुसलमान से है। लेकिन अगर, अगर लेकिन अगर भाई गलत है तो गलत। खलकाकुम मिन नफ्स वाहिदा। जी जी क्या बताया आपने? खलकाकुम मिन नफ्स वाहिदा। ये इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? बोलिए ना इसका मतलब, इससे का मतलब बताइए ना आप। ये दलील आप कुरान के जानकार है ना? अरे भाई दलील आप भी दे रहे हैं, आप कुरान के जानकार है, आप अपनी जुबान से दर्स हदीस तमाम खलकत को वाहिद जन। रिलैक्स, मैं बताता हूं भाई, मेरे से आ जाए, मुझे पता है आपकी जलेबियां। हमने तुम सबको एक ही नफ्स से पैदा किया जी सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबको आदम के नफ्स से पैदा किया उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उनमें से जो काफिर हो गए, एक सेकंड डंगर, तुम लोगों की हुज्जत पैदा नहीं होती कि मुझे पता होता है। सबर। एक जानवर मोहब्बत से बात कर रहे हैं हम आपसे, हमने गाली दिए, डंगर बोले आपको, कुछ बोले, कुरान डंगर बोलता है। तुमने क्या कहा था? अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बोले तो जब बोलेंगे? मैंने आपको कुछ कहा? रिलैक्स, टेक अ चिल, रिलैक्स, ओके। अब एक नफ्स से पैदा होने से क्या फर्क पड़ता है जब कुरान वाजिया दलील देता है कि मोमिन सिर्फ मोमिन का भाई है, मोमिन या अय्युल इंसान का भाई नहीं है, मोमिन मोमिन का भाई है। और कुरान वाजिया कहता है कि कुफार को अपना दोस्त ना बनाओ, तो भाई ये वाली आयत लाने की कोई हुज्जत ही नहीं बनती है आपकी। चले बोले सर, ये वैसे भी मेरे भाई की नहीं है, ये इन्नमल मुमिनूना इख्वा क्यों कहा गया है, इन्नमल मुशरिकूना नजस क्यों कहा गया है, जबकि सारे एक ही नफ्स से पैदा किए गए, तो इसमें नजस क्यों हो गए भाई? सर ये तो नजस की हिसाब से कहा गया ना सर, क्या नजस से मुराद क्या है सच वाला सर? जाहिर बात है ना, मदीना मदीना बताइए क्या मदीना के लोग नफ्स वाहिदा से पैदा नहीं किए गए? टिट्टी कहां पर लिखा हुआ है ये बताइए तर्जमे में। सुन तो लो भाई, देखें आप एक तरफ तो एक दलील दे रहे हैं, उसके जब काट होती है तो आप फौरी जो है पलट जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं अगर कुरान में यही स्टेटमेंट होती है कि खलकतुम मिन नफ्स वाहिदा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुरान ये कहता है कि जो है सारे इंसान एक जैसे हैं, यहाँ पर मैं काफिर और जो है मोमिन की कोई तफरीक नहीं करूंगा, ये इस तरह का भेदभाव नहीं करूंगा, और मैं जो है जिस तरह से एक मोमिन मेरे लिए मोहब्बत के काबिल है उसी तरह से एक काफिर भी मोहब्बत के काबिल है। तो अगर कुरान में भी ये बात कही गई ना कि काफिरों से अच्छे से पेश आए, ऐसी बात तो कुरान में कही गई। काफिरों से अच्छे से पेश आना है सर, ऐसी बात कुरान में कही गई है?
अरे मेरे भाई सर, आप तो सिचुएशन कह रहे हो वो दूसरे टाइप का सिचुएशन है, वो वॉर टाइप का सिचुएशन रहेगा जब जंग की किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा? अरे यार क्या क्या कहते हैं यार, कुछ भी कहते हैं आप तो पता कुछ है नहीं, आपने स्टडी कुछ भी नहीं, और कोई कहे वॉर टाइप में है भाई, सूर्य निशा में कौन सी वार है, सूर्य आल इमरान में कौन सी वार है, सूर्य अम्फाल में कौन सी वार है, कौन सी वार है बताइए, कौन सी पता तो कुछ है नहीं आपको, और कुछ ऐसे कह देते हैं हवा में तीर, ये गलत तरीका है ना भाई, आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर आपको एक्स मुस्लिम से बात करना है तो आपको बाकायदा तैयारी करके आना है, ये इस तरह से हवाओं में तीर अब नहीं चलने वाला। देखें एक्स मुस्लिम वो होता है जो जिंदगी भर छान पटक कर जो है इस्लाम छोड़ता है, आपको इस्लाम का पता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, ना कुरान के मतन को जानते हैं, ना कुरान के अंदर क्या है, कुरान के बाहर क्या, कुछ भी नहीं पता, आप सिर्फ मानने वाले हैं, जानना आज तक आपने सीखा ही नहीं, आपको जानने से कोई सरोकार नहीं है भाई, ये बड़ा अफसोस होता है ना, यही तो अफसोस है।